हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। आज हम कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो वैसे तो हिंदी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें कुछ माइन्यूट प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग में चेंजेस करके उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। एंड आई एम रियली अपोलोजेटिक फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज देयर वाज सम माइन्यूट सेटअप चेंजेस, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लग गया एंड it took a lot of time to create this new video, but I really promise we would be meeting now frequently. So without wasting time, let's start with the video. The word is डकैत। जो villages में common thief होते थे, specially MP में, उन्हें हम डकैत के नाम से जानते थे and अभी भी उन्हें हम डकैत के नाम से जानते हैं। ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज यूज होता है। जो इसकी स्पेलिंग होती है वो है DACOIT, और इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो है डकॉइट, और इसका मीनिंग भी सिमिलर होता है। जो इसका इंग्लिश में मीनिंग है वो है अ मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ आर्म्ड रॉबर्स। तो चलो इस वर्ड को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। अ डकॉइट वॉज शॉट इन द विलेज। द वर्ड इज खाट, जो फोल्डिंग भी हो सकती है। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो स्पेशली इंडिया में इस वर्ड को सभी लोग जानते हैं। तो इस वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे ही यूज किया जाता है। जो इसकी स्पेलिंग होती है वो है COT, और इसकी प्रोनंसिएशन है खाट। चलो इस वर्ड को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं। अ बेबी इज स्लीपिंग ऑन अ कार। द वर्ड इज चिट्ठी, जिससे आप लोग पहले से फेमिलियर है। कुछ समय पहले तक इसका यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते थे, एंड अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो अब हम स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में चिट्ठी वर्ड से एक वर्ड लिया गया है, वो वर्ड है चिट। इसकी स्पेलिंग होती है CHIT, और इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट ऑफिशियल नोट। चलो चिट वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करते हैं। अ बैंक चिट वॉज सेंट टू मी। द वर्ड इज लूट, जिसे हिंदी लैंग्वेज में लूटने के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को लूट लेना। इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड को एज इट इज यूज किया जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है LOOT, एंड इसका मीनिंग होता है अ प्राइवेट प्रॉपर्टी टेकन फ्रॉम एन एनिमी इन अ वॉर और डिस्ट्रीब्यूट। ये एक वर्ब है। लेट्स सी दिस इन एन एग्जाम्पल। द बैंक वॉज लूटेड लास्ट वीक। द वर्ड इज कर्म, इस वर्ड से आप पहले से ही फेमिलियर हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म से बहुत सारे ऐसे रिलीजियस वर्ड हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज यूज किए जाते हैं। उनमें से एक वर्ड है कर्म, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में कर्मा प्रोनाउंस किया जाता है। इसकी स्पेलिंग होती है KARMA, और इसका मीनिंग होता है रिजल्ट फ्रॉम वंस एक्शन। चलो इस वर्ड को एक एग्जाम्पल में देखते हैं। Whatever you lose, whatever you get, that's your karma. The word is guru, जिसे हम teacher, coach, guide और mentor भी बोलते हैं। English language में इस word को as it is use किया जाता है। इसकी spelling होती है GURU, and pronunciation same है guru। इसका meaning होता है an expert in a particular field। चलो इस word को एक sentence में use करते हैं। सलमान खान इज अ लव गुरु इन द पार्टनर मूवी। द वर्ड इज चटनी, इससे आप पहले से ही फेमिलियर हैं। बहुत सारे लोग खाना खाते समय चटनी को प्रेफर करते हैं। इसे इंग्लिश लैंग्वेज में एज इट इज यूज किया जाता है। द स्पेलिंग इज CHUTNEY, एंड दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज चटनी, एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ कोल्ड एंड थिक सॉस मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। चलो इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करते हैं। आई मोस्टली प्रिफर चटनी व्हाइल हैविंग डिनर।